पार्लर जा रहे हैं क्योंकि दिवाली भी पास आ रही है, फिर बाद में भीड़ भड़क का स्टार्ट हो जाती है। काफी चिल्ड हो रही है, काफी चिल्ड हो रहा है। मेरा बॉडीगार्ड मेरे आगे आगे चल रहा है, मैंने करवा ली। अब वहाँ पे इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो और जो बैठे रहते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ज़्यादा कुछ दिखाया भी नहीं है। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बिना किसी की परमिशन के ऐसे शूट करना। हम हो चुके हैं फ्री। मेरा बॉडीगार्ड दिखा। ये मेरा बॉडीगार्ड आगे आगे चल रहा है। ओ बॉडीगार्ड मिस शेरा, ओ शेरा सम्मान का ध्यान रख अच्छे से। ओहो शेरा खुद का ध्यान नहीं रख सकता। ये पार्लर हमारे घर के पास, केले 1 किलो कर दो। सही देख दिया, हम आ गए घर पे। और मम्मी शॉपिंग फुल, बेटे घर आ चुके। ओह मेरी बिंदी और उतर गई, मैंने वापस आके मुंह वगैरह धोया है, आईब्रो ओनली वैक्सिंग ही करवाई, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता, थोड़ा सा मुझे सूट नहीं करता मेरे फेस वगैरह पे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं करवाया। वैक्सिंग तो मैंने करवा ली, हैंड धो लिए, हाथ धो लिए। अब हर्षू और मैं रेस्ट करेंगे थोड़ी देर शाम दोपहर में, और शाम को आ जाएगी माही, तो चलता रहेगा हमारा पूरा दिन भर का रूटीन। बने रहिए वीडियो में एंड तक। शाम हो चुकी है, और शाम हो चुकी है, मैंने चाय पी ली है, माही को ट्यूशन से फ्री कर दिया है। बाय माही। आपको पता है मम्मी कल आ रहा था घर पे, पिटबुल छोड़ रखा था एक बच्चे ने। हम अब करेंगे, हम थोड़ा रेस्ट करें, रेस्ट भी क्या करें, रेस्ट भी नहीं कर पाई आज तो वो गोटा वोटा के चक्कर से, इसलिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय मां करनी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। कल जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं पार्लर जा चुकी हूँ, हर्षू की भी कल ऑफ हो गई थी, सारी एग्जामिनेशन वगैरह ख़त्म, अब फ्री फ्री अच्छा लग रहा है, वो आराम से सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है वो, उस सोने का बड़ा ही शौक है, फ्री हो गया एकदम मस्त होकर सोता है, उठता नहीं है, जल्दी से अपने पापा के पास सोया हुआ रहता है। हो गई थी लेकिन कुछ काम पेंडिंग भी ही रह गया था, मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था, मैंने कहा बाद में हर्ष के एग्जामिनेशन के बाद में आराम से करूँगी, जो तो कुछ काम पेंडिंग रह गया था वो है मेरी प्योर की ओढ़निया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्योर की ओढ़निया पड़ी है, इनको मैं पैक कर, हमें वैसे तो समेटी हुई है, देखो ये बक्से जो होते हैं उनके अंदर ये रखे होते हैं मेरे प्योर के सूट, तो ऐसे तो समेटी हुई है, अच्छे से स्टिच वगैरह करके ढंग से रखी हुई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इनको इन थैलियों में अच्छे से पैक करके रख दूँ ताकि बिल्कुल भी टस से मस ना हो, क्योंकि इनमें सल पड़ जाते, जल्दी ख़राब हो जाती है, सल पड़े फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो देखो अच्छे से इनके अंदर कागज़ वगैरह लगा रखे थे मैंने पहले से, देखो कागज़ वगैरह लगा रखे, अब ये ज़्यादा तो नहीं है, तो कुछ के तो अच्छे से सेट कर रखा है मैंने, अब इनको इनमें पॉलीथिन में डाल दूँगी, एकदम एज इट इज़ रहेगी। आज का मेरा छोटा सा टारगेट यही है, इनको क्लियर करने का ही मेरा।
पैक कर दिया और इसको पैक कर दिया मैंने। अब ये कन्नू की शादी में बनवाई थी मैंने ड्रेस तारी की, अब देखो क्या हाल हो गया शादी के बाद, इसको कभी पहना ही नहीं मैंने शादी के बाद, इसको पहना नहीं मैंने, देखो इसके जवारे की क्या हाल हो गया। इसका गोटा वापस लगवाऊंगी और ये जवारे भी वापस लगाऊंगी, तब इसका थोड़ा सा उलिया सुधरेगा। तो अच्छी है तारी की, लाइट कलर है इसका। ये देखो ये मेरी शादी की पोशाक है, जब मैं पोशाकों का वीडियो बनाऊंगी तब आप सबको दिखाऊंगी मैं, बहुत प्यारी है ये, मैंने खूब पहना है इसको। कई तो क्या है वजन की वजह से पहनते नहीं, लेकिन मैंने इसको इतना पहना है ना, मतलब मेरी सिस्टर मेरे काकोसा की बेटी की शादी में, मेरे भैया की शादी में खूब पहना है मैंने इसको, इसको एकदम पैक करके रख रखा है। हमारे घर में पूजा हुई है, मम्मी ने देखो भगवान जी का ये फ्लावर से कैसे सजाएगी, तब प्यारा देखो। ये देखो ये हेल्प करवा रहा है, ये मुझे कहता है कि ना मम्मी आप मेरे कपड़े कसोल कसोल के रख देते हो, इसलिए अपने मेरे कपड़े में खुद ही समेट रहा हूँ। और मैं कह रही हूँ कि अब लंबे कपड़े निकाल लेते हैं, लंबे कपड़े पहना कर, लंबे कपड़े क्यों नहीं पहनता वो निकाले हुए शर्ट वगैरह, विंटर के हिसाब से होना चाहिए, विंटर समर सर्दियों के हिसाब से कपड़े होने चाहिए, गर्मियों के हिसाब से होने चाहिए। तो अब तो सर्दियाँ आ चुकी है तो लंबे क्यों नहीं पहनते हो, सीजन के दौरान ही कपड़े पहने जाते हैं। हाँ वो तो फिर सुबह सुबह सर्दी रहती है, सुबह सुबह सर्दियाँ रहती है, तो फिर वो कपड़े छोटे हो जाएंगे तो फिर मैं किसको पहनूंगी, मैं खुद थोड़ी ना पहनूंगी तेरे वो शर्ट वगैरह जो है, पैसे लगे हुए बर्बाद नहीं होंगे उनके, शर्ट तो पहनता ही नहीं है ना ना। तो करे हमारे लिए दुआ करे अच्छी अच्छी। मैं आज शाम को रेडी हुई थी कि मैंने कहा ये लेके जाएंगे मार्केट, पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया इन्होंने मेरा, देखो मैं रेडी भी हो गई थी अच्छे से, पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। जब मेले भी चले जाएंगे और छोटा मोटा शॉपिंग भी कर लाएंगे हर्षु के लिए ड्रेस के हिसाब से, और मेरा भी कुछ ले आएंगे बैंगल्स वगैरह में देख लेंगे, सारे पे प्लान फ्लॉप करे से अभी तक गुस्सा आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं अब, न कल देखते थे कि कल जाना होता है नहीं होता है, बड़ा बुरा लगता है ऐसे तैयार रेडी होके अगर कहीं जाने का मन हो और फिर वो कैंसिल हो जाए। माई को भी जस्ट अभी फ्री किया मैंने, उसके भी अभी स्कूल ही चल रहे हैं, कई बच्चों की छुट्टियाँ तो नहीं हुई है, कईयों की तो हो चुकी है, कोई नहीं मन दुखी करने से क्या होगा, प्राइवेट काम है, प्राइवेट में तो टाइम लग ही जाता है, कभी क्या काम पड़े तो कभी क्या काम पड़ जाता। भैया के जयपुर पधारने के बाद में हर्षो ने भैया को बहुत मिस किया, अपने उसका मामा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ही, और हम पार्लर मैं और हर्षो पार्लर गए वापस आए और शाम को जाने का था वो कैंसिल हो गया मेरा, इनके साथ जाने का था, फिर बाद में भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, इसलिए मैंने कहा अभी जाया था, लेकिन अब वो चलता रहता है। फिर मैंने मेरी रात के टाइम में मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली क्योंकि वो थोड़ी वर्क में थी तो वो सुहाती नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने ड्रेस चेंज कर ली, मेरा रात का काम फ्री हो चुका है, हम सब ने खाना वाना फ्री कर लिया है, अब हमारी है सोने की तैयारी। हर्षो की छुट्टियां हैं, अब आगे छुट्टियां ही हैं तो वो तो थोड़ा लेट ही सोता है, थोड़ा सा मेरे साथ मोबाइल वगैरह देख दिखा लेट हो जाता है सोने में, तो लेकिन ये है कि चलो अब एकदम फ्री फ्री रहते हैं अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम तो फ्री रहे, कम से कम साफ़ सफाई में इतना टाइम लग जाता है, थक हार के पार्लर भी जाए, अब थोड़ा बहुत शॉपिंग का काम है वो भी हमारा हो जाएगा। हर्षो की छुट्टियाँ चल रही, हम करते हैं हर्षो की छुट्टियाँ इन्जॉय, हर्षो भी इन्जॉय कर। हो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गुड नाइट, जय माँ करनी।